देवास जिले के खातेगांव में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर भीख मांगने का कार्य किया और समस्त देवास जिले के आउटसोर्स कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन अवकाश पर बैठ गए। कर्मचारियों ने एकत्रित होकर बिजली विभाग के आसपास भीख मांगी और लोगों ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए। अनिश्चितकालीन अवकाश के चलते जब बिजली विभाग का काम भी बढ़ जाएगा, इन लोगों के सेवा पर न आने से खातेगांव की बिजली सर्विस पर काफ़ी असर दिखेगा, क्योंकि ये कर्मचारी ही पूरे खातेगांव की बिजली सर्विस को चलाते हैं। अगर ये लोग ही अवकाश पर रहेंगे तो खातेगांव में जल्द ही बिजली सर्विस पर प्रभाव पड़ेगा। इन कर्मियों को सुनने वाला कोई नहीं, अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात नगर में बिजली सप्लाई का कार्य करते हैं, पर समय पर वेतन न मिलने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। जिले के कन्नौज डिवीजन के खातेगांव RDC से हैं हम, और हमारा जो वेतन है वो 7 तारीख का निर्धारित किया जाता है कि 7 तारीख को आपको वेतन मिलता है। जनवरी माह की 7 तारीख को जो वेतन मिलने वाला था वो अभी तक वेतन नहीं मिला है और आज भी वेतन मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमने हमारा आज का सामूहिक अवकाश है और जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम कार्य पे नहीं जाएंगे। कितने महीने से वेतन नहीं मिला है आपको? हमको पिछले माह का जो वेतन है वो आज की तारीख तक नहीं मिला है और हर महीने यही समस्या आती है। 1.5 महीने 2 महीने कार्य करा के और 1 महीने का वेतन दिया जाता है। हाँ। हमें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और हम 220 कर्मचारी है जिनका वेतन कन्नौज डिवीजन से नहीं मिला है। बाकी समस्त देवास जिले में यही समस्या है और सभी दूर हम भीख मांग रहे हैं। हमारी स्थिति ये आ गई है कि हम भीख मांगने पे मजबूर है। दूध के पैसे, सब्जी के पैसे, सारे पैसे हमारे अभी इस समय के उधारी चल रही है। 10 रुपये सैकड़े के पैसे उधार ले रखे हैं हमने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।